सो गाइस, मैं अभी होटल के लिफ्ट से नीचे आया हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है नीरज, जो ऑलमोस्ट मेरी वीडियोस एडिट करता है, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसको मेरा जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक रीबॉर्न है, उसका उसको जो राइड लिया है वो कैसा लगा। आप देख सकते हैं, ये अभी अभी पहुँचा है राइड लेके। ये इसका बुलेट है ओल्ड, ये मेरा क्लासिक न्यू है रीबॉर्न, आप देख सकते हैं। तो नीरज, आपने अभी इसका पूरा राउंड लिया है 5-6 किलोमीटर का, इसका क्लासिक का, तो थोड़ा बताएंगे अब आपको ये कितना फर्क लगा आपकी ओल्ड क्लासिक से। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि इसकी पावर ना काफी खतरनाक है गाइस, ठीक है। मैं खतरनाक माने डराना नहीं, वो बताने का कैसा, मतलब खतरनाक बोले तो अनएक्सपेक्टेड है गाइस। इसकी पावर बहुत अच्छी लगी मुझे ओल्ड वाले से। इसकी पावर मतलब बोले तो 2 या 4 या 10 गुना ज्यादा समझ लो, क्योंकि इतनी खतरनाक तरीके से चला। अभी मैंने चलाया, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा शायद मेरे तरीके से, बट मैं बोलूंगा आप लोगों को कि शायद एक बार इसका राइड एक बार आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। मैं तो अभी राइड लेकर आया हूँ, तो ओल्ड वाले से मच मच मोर देन बेटर है गाइस। तो मैंने पूछना है, इसमें जो वाइब्रेशन आती थी प्रॉब्लम पुराने बाइक में, वो वाइब्रेशन आपको कितना लगा इसमें? इसमें मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग 0% वाइब्रेशन है, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। वैसे काफी स्मूथ चल रही थी, कोई ऐसा इशू नहीं आया मेरे को। फिर से बोलूंगा कि बस पहला गियर शिफ्ट करो और छोड़ो, पता चल जाएगा पावर क्या होती है। थैंक यू नीरज, आपने फीडबैक दिया इतना मेरे बाइक को लेकर के। हालांकि आपका ये बाइक साइमेंटेनियसली साथ में ही खड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 2019 मॉडल है, पूरा मॉडिफाई कराया आपने, और ये मेरा क्लासिक रीबॉर्न नया मोटरसाइकिल है, आप देख सकते हैं। तो इसका पूरा पूरा नीरज ने रिव्यू दिया। अच्छा नीरज जी, मैंने एक बात और पूछनी आपसे, जो इसमें आपने राइडिंग सीट देखी है अभी, तो वो कम्फर्टेबल लगी आपको? ये मच मोर कम्फर्टेबल है बाकी प्रीवियस सीटों से, कि जो वो वाले ओल्ड में है उसमें कुछ मजा नहीं है। ये कुशन काफी बहुत बेटर है गाइस, काफी कम्फर्ट है, आप लोग कोई इशू नहीं आएगा। ये तो हमारे सर ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कराई है, इस डिपेंड करता है कौन कैसा कराता है। बाकी गाइस फिर से बोलूंगा, पावर अनएक्सपेक्टेड था, मजा आएगा, एक बार जरूर इसका राइड लीजिए, ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक यू नीरज जी, ओके।